अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड मैंगो आइसक्रीम, जिसे बनाना बहुत आसान है। मैं तो हमेशा कहती हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आप भी कहेंगे हाँ ये तो बहुत आसान है मैंगो आइसक्रीम बनाना। हाँ ये क्योंकि इतना आसान है, घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप एकदम मज़ेदार की मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। आप इसे एक बार बनाकर घर वालों को खिलाएंगे, जब भी मैंगो का सीजन आता है तो आपके पास तो फरमाइश तो ज़रूर आएगी होममेड मैंगो आइसक्रीम बनाने की। और हमारे चैनल में और भी हमने मैंगो के रेसिपीज़ बनाकर वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसका लिंक मैं नीचे बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू माई चैनल एपिन हाउस किचन। ये देखिए मैंने ऊपर जो आम के जो छिलका होता है ना, उसको पतला सा मैंने निकाल लिया, और उसके बाद इस तरह से बारीक लाइंस लगाएंगे और इसके ऊपर से एक इस तरह से कट लगाते हुए इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरह से आम को काट के रख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर गैस पर हमने दूध चढ़ा दिया है, हमने 1/2 लीटर दूध लिया है। दूध को अच्छे से बॉईल करते हुए दूध को गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए जो हमारे दूध के ऊपर गाढ़ी सी मलई जमने लगी है, तो उसको भी इस तरह से चम्मच से निकालते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा बने। तो आप देख सकते हैं हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है, तो हम इसी स्टेज में 1 कप शुगर को ऐड कर देंगे। हमने एक आम लिया था, बड़ा साइज वाला हमने एक आम लिया था, तो उसके हिसाब से हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, तो उसके हिसाब से हमने 1 कप शुगर को ऐड कर दिया है। चीनी को आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप चीनी की जगह मिश्री भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से चम्मच से मलाई को निकालते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे, लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा करते जाना है। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका घोल बना लेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे चम्मच को चलाते हुए कॉर्नफ्लोर को ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध के लिए हमने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपके आइसक्रीम बिगड़ने के चांसेस होते हैं, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए चम्मच को चलाते हुए डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मुझे पकाते हुए 2 मिनट हुए हैं, मैंने कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 मिनट पका लिया। तो आप देख सकते हैं हमारा दूध एकदम से रबड़ी स्टेज में आने लगा है, तो मैं इसे और 1 मिनट पका लूँगी। दूध में कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, तो आप ज़रूर डालिए। दूध में कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने पूरे 3 मिनट पका लिया, तो उसके बाद हमारा दूध इस तरह से गाढ़ा बना है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे। गैस को बंद करने के बाद दूध को 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, और उसके बाद 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम को ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर के जो मलाई होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। दूध में कॉर्नफ्लोर, फ्रेश क्रीम या मलाई इसलिए डालते हैं कि हमारे आइसक्रीम को अच्छे से सेट होने में ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो आप भी ज़रूर डालिए। तो चलिए मैंने मिक्सर जार में मैंगो पीसेस डाल दिया, तो मैं क्या करूँगी इसे ग्राइंड करके लाऊँगी। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी मिक्सर जार में मतलब जो मैंगो पल्प में जो हमारा दूध वाली रबड़ी है ना, वो डाल देंगे। डालने के बाद इसे फिर से एक बार ग्राइंड करेंगे। याद रखिए इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस एक बार चला लीजिए मिक्सर को, बाद में बंद कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा चलेंगे तो आपकी आइसक्रीम तो ज़रूर बिगड़ेगी, क्योंकि मैंने एक बार इस तरह से मैंने ज़्यादा चला लिया था मिक्सर को, तो वो मेरी आइसक्रीम एकदम से बिगड़ गई थी। तो इस बात का तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। या आप डायरेक्ट एक बड़े बाउल में डालकर चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। तो उसके बाद तो चलिए आइसक्रीम जमाने के लिए एक बॉक्स में मैंगो पल्प डाल देंगे। आप कोई भी बॉक्स लीजिए, मैं तो यहाँ पर खजूर का बॉक्स था तो मैंने वही ले लिया, तो मैंने उसमें डाल दिया। तो उसके ऊपर थोड़े से आम के पीसेस डालेंगे, बारीक काट कर डालेंगे। फिर से मैंगो पल्प को पोर कीजिए।
अगर आप खट्टा मीठा मैंगो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं तो 2 या 3 पीसेस कच्चे करी के पीसेस डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। सारा मिक्सचर डाल दीजिए, अगर थोड़ा सा बचा हो तो आप दूसरे कप में डाल के भी आप सेट कर सकते हैं। फिर से थोड़े से मैंगो पीसेस डाल दीजिए, या आप मैंगो पल्प भी कह सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सारे मैंगो पीसेस डाल दिए, अब हम क्या करेंगे इसे सील करेंगे। इस तरह का एक सिल्वर फॉइल लेकर इसे सील करना है। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप डायरेक्ट ढक्कन भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से सील करेंगे। सील करने के बाद 5 या 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए इसे फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम निकाल लिया, मैंने 5 घंटे फ्रिज में रख के बाहर निकाला है। तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जमी है। तो चलिए इसे निकाल लेंगे अभी। माशाल्लाह हमारी मैंगो आइसक्रीम बहुत अच्छी सी बनी है, आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी क्रीमी बनी है, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं जमे हैं। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, जैसे मैंने आपको बताए हैं मेजरमेंट के साथ आप ज़रूर बनाइए। आपकी आइसक्रीम माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेगी और बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। माशाल्लाह हमारी मैंगो आइसक्रीम तो बहुत अच्छे से सेट हुई है, एकदम क्रीमी क्रीमी बनी है, इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हैं। ये तो मेरे भतीजों को तो बहुत पसंद आने वाली है ये आइसक्रीम, क्योंकि उन्हें मैंगो आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आप भी घर में मैंगो आइसक्रीम ज़रूर बनाइए, घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप एकदम बेहतरीन मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। इन गर्मियों में तो बहुत अच्छे आम आते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए।